क्या मेंबरशिप ऑफ जाफरी पैरेंट की पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन सीईओ पहचान मीडिया नेटवर्क एंड पहचान टीवी। मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में। मैं पाकिस्तान से बहुत दूर हूँ लेकिन मेरा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पाकिस्तान की किसी भी मुश्किल में मैं, मेरी पूरी टीम और हमारे अहबाब सब पाकिस्तान की उस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए कोशा रहते हैं। तो मैं आज बात करूंगी अपने उस हक की, अपने उस राइट की जो पाकिस्तान में पैदा होने के साथ ही मुझे हासिल था। जी हाँ, मैं बात करूंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के हक की जो हमें मिलना चाहिए। हम गुजारिश ये करना चाहते हैं कि हमारे साथ पूरी मुसावी यानी मसावात का सलूक किया जाए जो पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के साथ किया जाता है। इसकी वजह यह है कि हम पाकिस्तान से 7 समंदर पार दूर हैं लेकिन हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड, यूएई कहीं पर भी बसते हों, हम ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए कोशा रहते हैं। पाकिस्तान का एक रोशन चेहरा दिखाना हम अपना फ़र्ज समझते हैं बाहिसियत सफ़ीर पाकिस्तान। हमारी ईद बकरीद आज भी, चाहे हम यहाँ परदेश में बसते हैं लेकिन हमारी ईद बकरीद आज भी पाकिस्तान के साथ मनाई जाती है, क्योंकि हम ईदी की सूरत में, तहाइफ की सूरत में या हर महीने एक कतीम रकम अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त अहबाबों को भेजते हैं। इवन कि हम अपना सदका, खैरात, खुम्स, ये सारी चीज़ें भी हम पाकिस्तान में ही अपनी गरीब आवाम की खुशहाली के लिए भेजते हैं। मेरी पूरी टीम पाकिस्तान में बसती है और जो पहचान टीवी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी की मद में हर महीने एक बड़ी रकम मैं पाकिस्तान भिजवाती हूँ। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा है और मैं कोशिश करती हूँ कि उससे ज़्यादा कर सकूँ। इवन कि ईद कुर्बान आने वाली है, उस ईद कुर्बान में भी हम अपनी ये रस्म कुर्बानी पाकिस्तान में करेंगे ताकि गरीब आवाम को, रिश्तेदारों को, सब में ये बराबर का तकसीम हो सके। तो थोड़ा सा नज़रसानी की जाए उन शराइत के ऊपर जो आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट तो दे दिया लेकिन शराइत ऐसी रखी कि हम शायद अपना वोट का हक इस्तेमाल ना कर सके। चाहे किसी भी सियासी पार्टी से हमारा ताल्लुक हो लेकिन हमारे पास वोट का हक इसी तरह होना चाहिए जिस तरह एक आम पाकिस्तानी को, पाकिस्तान में बसने वाले उस शहरी को है जो कि पाकिस्तान में रहते हुए अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है। मैं उम्मीद रखती हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, पीटीआई की गवर्नमेंट से कि वो हमारे साथ मसावी सलूक करते हुए हमारे वोट के हक को इस्तेमाल करेगी, इस्तेमाल हमें करने देगी अपने वोट के हक को। जिस तरह वोट को इज्जत दो की बात होती है इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर को भी इज्जत दो हमारा सवाल, हमारी इल्तिजा और हमारी दरख्वास्त यकीनन हुकामे वाला तक ज़रूर पहुँचेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और आप भी अगर किसी तरह की कोई फरमाइश रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं और अपनी दरख्वास्त हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचाना चाहते हैं तो पहचान टीवी को अपनी ये वीडियो बनाकर भेजें जिसमें ओवरसीज वोटर को इज्जत दो पर बात होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। हम सब की दुआ कि पाकिस्तान परवरदिगार दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। रास्ता बन जाते हैं।